हेलो गाइस, चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की जनजातियों के पार्ट 7 में। इसके पहले मैंने 6 वीडियो बना रखे हैं जनजातियों के, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही प्लेलिस्ट में जाइए, आप वीडियो के प्लेलिस्ट में सभी टॉपिक के वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप जाइए वहां से सभी टॉपिक को देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की जनजाति में। कमार जनजाति, ये 7वां पार्ट है। कुल 20 वीडियो मैं जनजातियों के बनाऊंगा, जिसमें से ये 7वां वीडियो है और ये कमार जनजाति के ऊपर है। नमस्कार, मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्षवित भावेश गजपाल में। आगे बढ़ते हैं। इसे भारत सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। भारत सरकार ने 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में रखा है, उनमें से ये शामिल है। 5 जनजातियों के, विशेष पिछड़ी जनजातियों के वीडियोस में 3 के वीडियोस बना रखे हैं, जिसमें से अबुझमाड़िया, बैगा और पहाड़ी कोरवा शामिल है। ये 4थी विशेष पिछड़ी जनजाति है, जो कि कमार जनजाति है। विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। इसके अलावा राज्य सरकार ने 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में शामिल किया है, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या 26,530 है। पुरुष 13,070 और महिलाएं 13,460, मतलब महिलाओं की संख्या ज्यादा है। इसका मतलब सेक्स रेशियो अर्थात लिंगानुपात कमार जनजातियों में ज्यादा है, ऐसा मान सकते हो। लिंगानुपात मतलब हर 1,000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं, वो लिंगानुपात कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। स्थान कहाँ पाए जाते हैं? बेसिकली ये गरियाबंद जिले के गरियाबंद, छूरा, मैनपुर विकासखंड, गरियाबंद जिले के गरियाबंद, छूरा और मैनपुर विकासखंड में। इसके अलावा धमतरी जिले के नगरी और मगल रोड विकासखंड में, महासमुंद जिले के स्वयं महासमुंद और बागबाहरा विकासखंड में ये जनजाति पाई जाती है। बाकी 2 जगह कम मात्रा में पाई जाती है, विशेष रूप से गरियाबंद जिले में ये जनजाति पाई जाती है। साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी साक्षरता 47.57% है, मतलब 47.7% है। पुरुषों की साक्षरता 58.8% है और महिलाओं की साक्षरता 37% है। उत्पत्ति मैनपुर, ये अब हर एक का उत्पत्ति का स्रोत या किंवदंतियां तो मैं पढ़ाता ही हूं हर वीडियो में, ये मेंस के परिप्रेक्ष्य से आप लिख भी सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मैनपुर विकासखंड के देव डोंगर ग्राम से ये अपनी उत्पत्ति मानते हैं। मैनपुर विकासखंड में देव डोंगर नामक ग्राम है, जहां से ये उत्पत्ति हुई मानते हैं। जहां वामन डोंगर पहाड़ी है, देव डोंगर गांव में वामन डोंगर पहाड़ी है, जिनमें इनका सबसे बड़ा देवता वामन देव रहता है। वामन देव को ये अपना देवता मानते हैं। वामन डोंगर पहाड़ी में, डोंगर मतलब छोटी पहाड़ी, उसी में निवास करता है, ऐसा माना जाता है। कमार लड़कियां 8 से 10 वर्ष होने पर देवार जाति के द्वारा के महिलाओं से हाथ, पैर और दाढ़ी में गोदना गोदवाती हैं। इस प्रकार सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कमार जनजाति है और सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति बैगा है। साथ ही गोदना गोदने वाली जनजाति में देवार और ओझा आते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि लड़का हुआ, यदि इनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, अर्थात लड़का होता है, तो नाल को, जो नाल रहता है इसको निर्वा भी कहते हैं, नाल को तीर से और लड़की हुई तो नाल को कहरा से। कहरा मतलब बांस की पंची होती है, ऐसे काटने का, तो बांस की पंची से काटा जाता है नाल को माता के गर्भ से निकालने पर। तीर से लड़का हुआ तो और लड़की हुई तो कहरा, ये नया शब्द है। कहरा मतलब बांस की पंची को कहरा कहा जाता है, इसे काटते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनकी 2 प्रमुख उपजातियां हैं। पहला है पहाड़पत्तिया, दूसरा है बुंदर जीवा, ठीक है। पहाड़पत्तिया और बुंदर जीवा, तो पहाड़पत्तिया पहाड़ में रहते हैं और बुंदर जीवा जो उपजाति है वो मैदान में रहते हैं। ये कमार की 2 उपजातियां हैं, आपको ये याद रख लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इनके भोजन की ओर। तो चावल व कोदो से बना पेज पीते हैं। पेज अनाजों से बना एक पदार्थ है, तो पेज खाते हैं या पीते हैं ऐसा बोल सकते हो। चावल या कोदो से, कोदो का पेज खाते हैं ये। भात और बासी भी इनका क्या है, भोजन में शामिल है। व्यवसाय, बांस का सूपा, टुकना या झापी, मतलब बेसिकली बांस के बर्तन बनाते हैं। पूछ चुका है क्वेश्चन, ऐसी कौन सी जनजाति है जो बांस
के बर्तन बनाकर अपना व्यवसाय चलाती है, तो आएगा आंसर में कमार जनजाति। इसके अलावा वनोपज संग्रह में महुआ, तेंदू, साल बीज, बांस और चिरौंजी, तेंदू पत्ता, साल बीज, बांस और चिरौंजी आदि ये वनोपज संग्रह का काम भी करते हैं, यह भी इनका व्यवसाय है, दूसरा व्यवसाय मान सकते हैं। सहगोत्री विवाह नहीं होता, अर्थात सगे भाई बहन और सहगोत्र के साथ विवाह नहीं किया जाता। विवाह गुरावट प्रकार का विवाह होता है, घर जमाई विवाह होता है, पैठू अर्थात घुसपैठ विवाह होता है, उड़रिया इसके पहले वीडियो में भी पढ़ाया हूं, उड़रिया का मतलब सहपलायन है, सहपलायन विवाह हर जनजातियों में अलग अलग नाम से प्रचलित है, जैसे कि कमार में उड़रिया कहा जाता है, इसके पहले मैं कोरबा में भी उड़रिया ही बताया हूं और अलग जनजातियों में अलग अलग सहपलायन विवाह को बताया हूं। इसके अलावा चूड़ी पहनाना भी इनके में प्रचलित है, जिसको विधवा विवाह कहते हैं उसे चूड़ी पहनाना भी कहते हैं। इसके अलावा देवर भाभी विवाह भी इनकी जनजातियों में प्रचलित है। कमार महिलाएं सुवा नाचती है, कौन सी जनजाति की महिलाएं सुवा नृत्य करती हैं, तो कमार जनजाति की महिलाएं सुवा नाचती हैं। सुख प्रथा वधु धन प्रथा प्रचलित है, इसके पहले के वीडियो में मैं सुख प्रथा अर्थात वधु धन प्रथा के बारे में बता चुका हूं। सुख प्रथा में जब वर वधु को ब्याह कर लाता है तो वधु के फैमिली वाले को अनाज, दाल, तेल, गुड़ आदि भेंट स्वरूप प्रदान करता है, क्योंकि वह वधु को लेकर आया है, इसी प्रथा को सुख प्रथा अर्थात वधु धन कहते हैं। मामा बुआ के लड़के लड़की से विवाह को प्राथमिकता दी जाती है इनकी जनजातियों में, हालांकि गोसा गोत्री विवाह नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से लिखा है, ग्रंथ अकेडमी की बुक आप पढ़ सकते हैं कि मामा बुआ के लड़के लड़की से विवाह को इनके जनजातियों में प्राथमिकता दी जाती है। देवी देवता में कचना, धुरवा, बूढ़ा देव, कचना देव, धुरवा देव, कचना, धुरवा, बूढ़ा देव, ठाकुर देव, दुल्हा देव, वामन देव जो इनका प्रमुख देवता है। इसके अलावा बड़ी, छोटी व मंझली माता, बड़ी माता, छोटी माता, मंझली माता, धरती माता, इन सबको भी पूछते हैं। ये तीन बिंदु जो लिखा हुआ अंतिम में ये विशेष है, ये इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पोगरी देव, जो पोगरी देव होता है ये इनका कुल देवता होता है, अगर पूछेगा कमार के कुल देवता का नाम क्या है तो पोगरी देव है। मांगर माटी, जो पूर्वजों के गांव की भूमि या मिट्टी रहती है उसे मांगर माटी कहा जाता है, मांगर माटी कहा जाता है कमारों में। और गाता डुमा, गाता डुमा पूर्वज, जो इनके पूर्वज होते हैं उनको ये गाता डुमा कहते हैं, और इन तीनों की भी ये पूजा करते हैं, पोगरी देव, मांगर माती और गाता डुमा की भी ये पूजा करते हैं। बाकी के वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा रखे हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लिंक को जरूर शेयर कीजिए, लिंक शेयर करेंगे तो वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। धन्यवाद।